हमारे इस यूट्यूब चैनल आरपी टेप के आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि यूजी सेमेस्टर 6 सेशन 19-22 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो दोस्तों फॉर्म फिलअप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जो स्टूडेंट को परेशानी हो रही है। जैसा कि किसी का डाटा नॉट अवेलेबल आ रहा है, जब वो फॉर्म फिलअप करने के लिए अपना डिटेल्स डालते हैं तो डाटा नॉट अवेलेबल आता है। किसी किसी का जो है रोल नंबर इनकरेक्ट वगैरह आता है, किसी का आईडी क्रिएट नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम टेलीग्राम में भी पूछ रहे हैं। बहुत सारे का मैंने सॉल्व भी करके दे दिया है, लेकिन हर किसी का यहाँ पे देना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को दे रहा हूँ ताकि आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम। जो भी आपका प्रॉब्लम है, वो जो 3-4 प्रॉब्लम है, वो सारे मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। आप खुद से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप खुद से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों मैं पहले प्रॉब्लम की बात करता हूं। जैसे कि आप अपना आईडी ओपन करते हैं, आईडी ओपन करने के बाद जो सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन फॉर्म पे आप आके क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है। यहाँ पे जैसे कोर्स, स्ट्रीम, सेमेस्टर, स्टूडेंट टाइप, रोल नंबर, फादर नेम और स्टूडेंट नेम, ये सारा आप सही सही फिलअप कर देते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड में देख सकते हैं ये मैसेज आपको देखने को मिलता होगा, देर इज नो डाटा एसोसिएटेड विथ दिस कोर्स, स्ट्रीम, सेमेस्टर, स्टूडेंट टाइप एंड रोल नंबर, प्लीज सर्च विथ करेक्ट डिटेल्स। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे आप जो डिटेल डाल रहे हैं इसमें कुछ मिसमैच हो रहा है, इसमें कुछ कुछ तो आप मिस्टेक कर रहे हैं जो कि इनके डाटा में नहीं है और ये डाटा नहीं ले पा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर चेक करना है कि आप रोल नंबर सही टाइप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे फादर नाम में आपको चेक करना है, फादर नाम जो है दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड में है सेम उसी तरह यहाँ पे टाइप करना है, कैपिटल में टाइप करना है और हर वर्ड सेम होना चाहिए। अगर जहाँ पे स्पेस है वहाँ स्पेस देना है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं देना है। उसके बाद स्टूडेंट नाम भी आपको सेम टाइप करना है, जो भी आपका एडमिट कार्ड मार्कशीट में हो सेम टाइप करना है, जहाँ पे स्पेस हो स्पेस देना, नहीं है तो नहीं देना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है, आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट करते हैं क्या दोस्तों, उनका जो मार्कशीट एडमिट कार्ड में जो है फादर नेम कुछ और रहता है और उनके आधार या फिर रियल में कुछ और रहता है तो वो अपना रियल वाला डाल देते हैं, आधार वाला डाल देते हैं तो यहाँ पे उनका डाटा नहीं लेता है क्योंकि उनका जो है मार्कशीट वगैरह एडमिट कार्ड में अलग नाम है। तो वो नाम आपको डालना है जो एडमिट कार्ड में है वो डालना है, क्योंकि आपका जो एजुकेशन रिलेटेड में वो नाम आ रहा है तो वो नाम यहाँ पे ऐड है इसलिए डाटा में मैच नहीं करता है। वो आप सेम डालेंगे तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा। दोस्तों ये पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आप लोगों को दे दिया, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मैं दूसरी प्रॉब्लम की ओर चलता हूँ। दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम जो है आप लोग को ये वाला आ रहा होगा, जैसे कि जैसे अपना डाटा अपना जो डिटेल्स आप फिलअप करके सबमिट सर्च पे क्लिक करते हैं तो ये आपको मैसेज देता होगा कि प्लीज लॉग इन विथ योर करेंट यूनिवर्सिटी रोल नंबर टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, डू नॉट यूज रॉन्ग अदर यूनिवर्सिटी रोल नंबर टू लॉग इन। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप जो आईडी अपना क्रिएट किए हुए हैं उसमें जो है आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर से आईडी क्रिएट किया हुआ नहीं है इसलिए ये मैसेज आपको दे रहा है। तो आपको करना क्या, आपका जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर है उससे आपको एक आईडी क्रिएट करना है जिसमें कि यूजर नाम में आपका जो है यूनिवर्सिटी रोल नंबर होना चाहिए। पासवर्ड आप कुछ भी रखते हैं मैटर नहीं करता है, लेकिन यूजर नाम में आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही होना चाहिए तो आपको ये मैसेज नहीं देगा, आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये दूसरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। तो आप अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर से आईडी क्रिएट करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अब तीसरी प्रॉब्लम की ओर लेके चलते हैं। दोस्तों तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप अगर आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर से आप नहीं ओपन हो रहा है तो आपको जो है एक न्यू आईडी क्रिएट करना है, लेकिन जब आप न्यू आईडी क्रिएट करने के लिए आते हैं और यहाँ पे अपना जो है नाम डालते हैं और अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे आप डालते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आपको देता है दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड और यहाँ पे जो है आपका किसी और नाम का यहाँ पे शो करता है, जो कि आप लोग इससे परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ये कहा कि यहाँ पे जो है किसी और का नाम शो कर रहा है और किसी और कॉलेज का नाम शो कर रहा है, मेरा डिटेल यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या मेरा क्या हो गया, दूसरे का नाम आ रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। तो इससे आपको परेशान नहीं होना, ये जो है ऐसे ही एक शो कर दिया था एग्जाम्पल में और यहाँ पे आपको साइड में देख सकते हैं यहाँ पे ये शो करेगा कि दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है आपका रोल नंबर से आईडी क्रिएट किया हुआ पहले से ऑलरेडी है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर से है वो आईडी एक ही बार क्रिएट होता है, सेमेस्टर 2 से लेकर 6 तक अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो एक ही बार आईडी क्रिएट होगा आपका जो है यूनिवर्सिटी रोल नंबर से, उसी से सारा फॉर्म फिलअप होता है।
तो इसका मतलब यह है कि आपने आपका जो आईडी क्रिएट किया हुआ है जब पिछले सेमेस्टर में आपने फॉर्म भरा था तो उसमें क्रिएट किया हुआ होगा। तो अब इसको आपको रिकवर कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो है इसको यहाँ पे कट कर देना है, और यहाँ जो नीचे आपको दिखेगा एक फॉरगॉट पासवर्ड, इस फॉरगॉट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो है अपना पूरा नाम डालना है, यहाँ पे पूरा नाम डालना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपका आपके पास हो, आपको पुराना हो, आपका जो है पिछले सेमेस्टर वगैरह में आप जो भरे हैं वो नंबर यहाँ पे डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नीचे जो है आपका आईडी शो कर दिया जाएगा। अगर यूजर नाम में अगर इंस्टीट्यूट नंबर शो नहीं करता है तो समझिए कि वो आपका नहीं है, यहाँ पे कोई और मोबाइल नंबर से आपको सर्च करना है। तो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे अपना पूरा नाम मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करते हैं तो अगर आपको ऐसा ऐसा यहाँ पे आपको मैसेज देता है प्लीज फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो समझिए कि जो आपका मोबाइल नंबर वो मैच नहीं कर रहा, आप पिछले बार कुछ कोई और मोबाइल नंबर दिए होंगे। तो आपके पास जितने भी मोबाइल नंबर है सारे मोबाइल नंबर से यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सर्च करके देखना है, वो आपका जो है यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। तो जैसे डाटा मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो यूजर नाम और पासवर्ड दोनों यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, और यूजर नाम में जो है आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही लिखा हुआ होगा तो समझिए वो आपका करेक्ट यूजर नाम है। अगर यहाँ पे यूजर नाम में कुछ और ABC123 इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है तो आपको वो आपको उससे नहीं ओपन करना है, उससे आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही आपको यहाँ पे देखना है, वही आईडी आपका एक्चुअल है और उसी आईडी से आपका फॉर्म फिलअप होगा। दोस्तों ये तीसरा प्रॉब्लम था, इसका भी सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। दोस्तों अभी जो है एक और प्रॉब्लम चल रही है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप तो फॉर्म भर के पेमेंट कर दे रहे हैं लेकिन आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट नहीं हो रहा है। आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट रिसीप्ट तो आपको मिल जा रहा है लेकिन फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा। तो दोस्तों बता दें कि ये वेबसाइट और यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है क्योंकि वो लोग सही से यहाँ पे अपडेट नहीं किए हुए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। और जिस पहले जो है सब पैसा के थ्रू जो है पेमेंट होता था लेकिन इस बार जो है SBI के थ्रू कर दिया गया है, तो जो ये अपडेट हुआ है इसी अपडेट को लेके जो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप लोग जो है आप वेट कर लें, ये वेबसाइट अपडेट हो जाएगी और आप लोग का सारे का जो है फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। अभी किसी का फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपका फिर प्रिंट नहीं हो रहा बाकी सबका हो गया, ऐसा किसी नहीं है, किसी का भी फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा है। तो आप जो है अपना जो पेमेंट करेंगे कहीं भी कैफे वगैरह से अभी खुद से, तो पेमेंट रिसिप्ट सेम टाइम में आप डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि बाद में हो सकता है कि वो डाउनलोड ना हो और आपको परेशानी उठानी पड़े। और जो आप जो वहाँ अगर कैफे वगैरह से अगर आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कराते हैं तो वहाँ पे एक प्रीव्यू फॉर्म जो होता है वो आप लेके रख लेंगे तो आपकी आपको जो है वो आसानी होगी। दोस्तों जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फॉर्म प्रिंट होने लगते हैं, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि फॉर्म प्रिंट हो रहा है और आप लोग सारे फॉर्म प्रिंट कर लें। और एक चीज़ है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कमेंट कर रहे हैं कि 6 तारीख तक लास्ट डेट है तो हम लोग कैसे करेंगे, कॉलेज में जमा भी करना है हार्ड कॉपी। तो दोस्तों याद रखें कि 6 तारीख तक तो लास्ट डेट है लेकिन अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए 6 तारीख तक लास्ट डेट नहीं रहेगा, उससे आगे भी डेट बढ़ेगा, 10-15 तक एक्सटेंड डेट यहाँ पे होगा। तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हो क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो वही ये इसको सोल्व करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया और हर चीज़ आप समझ गए हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो, नहीं समझ में आता हो तो फिर भी आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।